हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग द इंफिनिटी बीट। वेल दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक और बड़ी बात। जी हाँ, फाइनली मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ लोगों के ऊपर एक नोटिस जारी हुआ है। अब वो नोटिस सही है या गलत है वो आप डिसाइड करो, और लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी दे देती हूँ कि कौन कौन लोग है और वो किस तरीके का नोटिस है। आप सबको तो पता ही होगा कि बॉलीवुड में क्या क्या चीज़ें होती रहती है। जी हाँ, कास्टिंग काउच से लेके थ्रेट्स, सेक्सुअल अब्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें। तो इसी के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, NCW करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फाउंडेशन है। मैं आपको बता देती हूँ NCW का फुल फॉर्म क्या है। NCW का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। जी हाँ, ये एक संस्था है जिसे चलाती हैं योगिता बयाना। जी हाँ, वो इसकी आप कह सकते हो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और मैं आपको सबसे पहले योगिता के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही ये केस को रजिस्टर कर रही है और वो ही इसका ध्यान रख रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, योगिता भयाना जो है वो एक आप कह सकते हो रेप विक्टिम एक्टिविस्ट हैं। वो फाइटिंग अगेंस्ट जेंडर वायलेंस, जी हाँ, वो जेंडर वायलेंस के खिलाफ लड़ाइयाँ करती हैं। वो खुद एक रेप विक्टिम रह चुकी हैं, इसलिए वो रेप विक्टिम एक्टिविस्ट हैं और वो लोगों को बचाती हैं, उनकी मदद करती हैं। साथ ही में वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जी हाँ, जो आजकल आप सब सुनते रहोगे, जो बहुत सारे चलते हैं जोश टॉक्स और बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो अवेयरनेस बताते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, उसमें से एक योगिता का भी नाम है उसमें। साथ ही में वो एक फाउंडर भी है। जी हाँ, उन्होंने अपनी एक संस्था खोली जिसका नाम है परी फॉर इंडिया, जिसकी वो फाउंडर भी हैं। अब योगिता, जिन्होंने इतना सारे काम किए हैं और जो इतना सारे चीज़ें हमारे सोसाइटी के लिए कर रही है, उन्होंने एक नोटिस दिया है, और वो नोटिस उन्होंने दिया है महेश भट्ट को, उर्वशी रौतेला को, ईशा गुप्ता को, रणविजय सिंह को, प्रिंस नरोला को और मौनी रॉय को। जी हाँ, ये 7 बड़े लोगों के नाम इसमें आए हैं जिनके अगेंस्ट ये नोटिस है। और मैं आपको बता देती हूँ वो नोटिस में क्या लिखा है। वो नोटिस में लिखा गया है ये कि दे आर फॉर रिकॉर्डिंग अ विटनेस स्टेटमेंट। जी हाँ, रिकॉर्ड किया है ये लोगों ने एक विटनेस का स्टेटमेंट ऑन कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम मिसेस योगिता। जी हाँ, जो योगिता ने कंप्लेन दिया है NCW को, और वो कंप्लेन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि वो एक विटनेस स्टेटमेंट है जो योगिता ने बताया है, और किन लोगों ने किया है उनका नाम नहीं आया है, लेकिन उन्होंने बताया है कि ये किस बेसिस पे है। और इसका जो बेसिस है वो है एलिजिंग सेक्शुअल एंड मेंटल असॉल्ट ऑन सेवरल। जी हाँ, सेक्शुअल और मेंटल असॉल्ट, जी हाँ, ये दोनों चीज़ों को लेके। सेक्शुअल अब्यूज़ तो लोग हो ही रहे हैं इस इंडस्ट्री में, साथ में मेंटली भी प्रेशर, टॉर्चर और मेंटली असॉल्ट भी हो रहे हैं। तो जी हाँ, ये कम शब्दों में आप कह सकते हो कि किसी ने इन सब लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं और साथ ही में ये सारी चीज़ें कही हैं। और योगिता भयाना, जिनका मैंने आपको बताया है, जिनके बारे में, वो जो हैं उन्होंने NCW को, आप कह सकते हो कि उन्होंने NCW को इशू किया है एक नोटिस जहां पर उन्होंने इन सारे लोगों का नाम लिया है। जी हाँ, तो दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है। वेल, इसके ऊपर महेश भट्ट का रिप्लाई आ चुका है। उन्होंने कहा कि ये जो एलिगेशन है ये फॉल्ट है, ये सही नहीं है, ये झूठ है, उनको उनका नाम खराब करने की, उनको फंसाने की साजिश है। बट अभी तक बाकी सारे लोगों का इसमें कोई जवाब नहीं आया। अब आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि योगिता भयाना जो ये कर रही है, आप जाके उनका ट्विटर अकाउंट चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या क्या चीज़ें करती हैं। और साथ ही में अगर आप NCW को भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जी हाँ, ये इसका फुल फॉर्म है, जो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में। क्या फाइनली ये सारे लोग जो हैं ये कोई सेक्सुअल रैकेट चलाते हैं, या आप कह सकते हो कि ये लोगों को क्या मेंटली टॉर्चर करते हैं, असॉल्ट करते हैं, सेक्सुअल और मेंटल, ये दोनों असॉल्ट के आरोप इन सब लोगों पर लगे हैं। आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी भी। थैंक यू।